एकादशी पर मंडलायुक्त मेरठ सेल्वा कुमारी जे द्वारा कार्तिक पूर्णिमा गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेले का उद्घाटन किया गया। उन्होंने गुब्बारे छोड़कर मेले का शुभारंभ किया। बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप मेले को प्लास्टिक मुक्त रखा गया है। जाम न लगने की पूरी तैयारी की गई है। संपूर्ण मेले में साफ सफाई की पूरी व्यवस्था की गई है। कानून व सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। मंडलायुक्त विकसित भारत संकल्प यात्रा की LED वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त ने गंगा आरती स्थल पर दीप जलाकर गंगा मैया की आरती भी की। दरअसल आपको बता दें कि दीपदान को गंगा आकाश गंगा का रूप धारण कर लेती है, परंतु दीपदान से पहले ही प्रशासन ने दीपोत्सव गंगा उत्सव गंगा मेले में मनाते हुए हजारों दिए जलाकर गढ़ गंगा खादर का नज़ारा विहंग कर दिया। गंगा आरती के साथ ही गंगा किनारे वन विभाग जिला प्रशासन स्थानीय प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों ने हजारे दिए जलाए। DM प्रेरणा शर्मा, CDO प्रेरणा सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा हुन ने भी दीपक जलाया। तो वहीं गंगा मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी सतर्कता बरत रही है। मुख्य स्नान घाट और गंगा किनारे से लेकर अधिक भीड़ भाड़ वाले स्थान पर बनाए गए वॉच टावरों पर तैनात पुलिस CCTV कैमरे और दूरबीनों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी करने का जिम्मा संभाले है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बंदोबस्त पूरी तरह चाक चौबंद रखे गए हैं। पुलिस ने 150 CCTV कैमरे के कंट्रोल रूम में निगरानी शुरू की है, जबकि ड्रोन कैमरे से पूरा मेला क्षेत्र में नज़र रखी जा रही है। हापुड़ व आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हापुड़ हलचल।